मार्केट प्रेडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आईटीसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। 436 रुपये का शेयर वापस से हो चुका है, जबकि ये शेयर हाईएस्टली 442 को टच करके आया है। देन यहाँ पे अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि शेयर के अंदर बाइंग करके अच्छे प्रॉफिट ले सकते हैं, तो कौन से लेवल हो सकते हैं जहाँ पे और भी नीचे देखने को मिल सकता है, या मार्केट कंसोलिडेट करते हुए जिस भी लेवल पे आएगा उस पे हम पकड़ बना सकते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल प्रॉफिटेबल वीडियो बनाता हूँ जहाँ पे शॉर्ट टर्म में लेवल देखा जाता है और अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए हम शेयर को कुछ टाइम के लिए बाइंग करते हैं, जैसे कि 15 दिन से लगभग 3 महीने के लिए शॉर्ट टर्म की अवधि के लिए बाइंग करते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी जैसे आपकी इच्छा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 22 क्वांटिटी बाइंग कर रखी है, और लॉन्ग टर्म में भी मैं जाता हूँ, अगर मुझे प्रॉफिट नहीं मिलता है अच्छा खासा मेरी इच्छा अकॉर्डिंग, तो मैं इसे लॉन्ग टर्म में भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन मुझे शॉर्ट टर्म में ही काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जो कि लॉन्ग टर्म से काफ़ी बेहतरीन रिटर्न होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। आपके सब्सक्राइबर से मुझे कुछ उम्मीद मिलती है अच्छे खासे वीडियो बनाने की, और यहाँ पे लाइक करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। देन कमेंट में लिख के जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा और कैसे वीडियो बनाने चाहिए मुझे, और ये आईटीसी स्टॉक आपके लिए कैसा है और लॉन्ग टर्म में क्या इसकी उम्मीद लगाई जा सकती है। तो स्टॉक डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले कि हम स्टॉक डिटेल्स के जानेंगे कि ये शेयर हमारे लिए लॉन्ग टर्म में कैसी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है, और शेयर कैसा है। क्वालिटी करके एक्सीलेंट शेयर है, वैल्यूएशन इसका एक्सपेंसिव है, फाइनेंशियल भी यहाँ पे ठीक ठाक है। अगर हम बात करें 1 ईयर के रिटर्न की, तो बहुत ही कम रिटर्न है जो कि 2% के, क्योंकि ऑलरेडी ये इसी दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा है काफ़ी टाइम से, तो अब इसकी उम्मीद है कि ये क्वार्टर फोर के नतीजे अच्छे लेके आए और लगभग 500 प्लस शेयर का जाए, और मैं इसका वेट कर रहा हूँ। देन अगर सेक्टर के रिटर्न देखें तो 5% के रिटर्न है, मार्केट रिटर्न 24% के रिटर्न है जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। पी रेशियो देखें तो लगभग 27 पॉइंट के साथ है, अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी अच्छा है। डिविडेंड ऑलरेडी पता है कि डिविडेंड आईटीसी बहुत अच्छा देती है, तो 3.5% का डिविडेंड है, साथ ही इसका पी आरओई सब ठीक ठाक है। देन अगर मैं एफआईएस की बात करूँ तो 40% का एफआईएस का होल्डिंग है, देन 11% की म्यूचुअल फंड की, 20% इंश्योरेंस कंपनी डीआई से, 12% 15% पब्लिक के अंदर। तो ये सारा जो सेट शेयर होल्डर पैटर्न है, काफ़ी भरोसा है इनका, और ये भरोसा ही आपको लॉन्ग टर्म में इस शेयर के प्रति इच्छा जाहिर करता है कि हमें इस शेयर में लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पे दिसंबर से मार्च के जो देखे गए रिजल्ट्स जो कि कम हुए हैं अपने शेयर होल्डर एफआईएस के, जो कम हुए नतीजे वो कम हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। एफआईएस यहाँ पे कम ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोटर्स में चेंजेस नहीं होने चाहिए। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग नहीं दिखाई गई है, लेकिन आने वाले टाइम में प्रमोटर होल्डिंग अगर अच्छी होती है वो भी दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों चार्ट पैटर्न के ऊपर आते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं मार्केट कैप कितना है कंपनी का। तो मार्केट कैप दोस्तों पहले से ज़्यादा हुआ है, देन 5,44,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी ठीक ठाक पॉजिटिविटी है, लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी इसमें देखी गई है। चार्ट पैटर्न के लेवल अगर मैं बात करूँ तो पहले से काफ़ी बेटर है। देन यहाँ पर बात करूँ कंसोली करते हुए शेयर का, जो कंसोली करते लेवल आ रहा है वो 430 रुपये आ रहा है। 430 रुपये के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा गया है कि शेयर का प्राइस जो है काफ़ी बार बाइंग किया गया है, काफ़ी बार यहाँ पे सेल किया गया है, और ये शेयर जो है लगभग 420 के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप बाई करते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए 430 मतलब यहाँ पे 425 से लेकर 430 के बीच बाई करेंगे, तो लगभग 15 दिन से 3 महीने के अंदर आप इस शेयर को 460 भी पा सकते हैं, जो कि एक अच्छे लेवल है। और लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो लगभग 550 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।